हेलो कैसे हैं आप सब लोग तो फाइनली आज हम एंड करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यानी कि हमारा क्लास अकाउंटिंग का पहला चैप्टर अभी तक हम लोगों ने देखा अकाउंटिंग क्या है बिजनेस हम लोगों ने देखा अकाउंटिंग के एडवांटेजेस अकाउंटिंग के लिमिटेशन अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के ब्रांचेस बहुत कुछ हम लोगों ने क्लास देखा है पहले चैप्टर के अंदर और हमारा जो सेकेंड चैप्टर है ना क्लास वो इवन पहले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको स्किप मत करना बिकॉज उसके अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को देखेंगे अलग अलग टर्म्स देखेंगे कि अकाउंटिंग के अंदर किन किन टर्म्स का पूरे तुम्हारे कॉमर्स के अकाउंट्स के करियर में हर जगह वो टर्म्स यूज किए जाएंगे तो वो बहुत जरूरी है सेकेंड चैप्टर जहां पे क्लास आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बट खैर फर्स्ट चैप्टर को पहले आज एंड करते हैं आज हम सीखेंगे कि बुक कीपिंग क्या है मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में भी बुक कीपिंग की ज़रूरत नहीं है बट आज हम सीखेंगे कि एक्चुअली में बुक कीपिंग कहते किसको है सो बुक कीपिंग इज़ कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भाई देखो मैंने आपको कुछ चीज़ याद करवाई थी सात नाम आपको सात पॉइंट मैंने आपको याद करवाया था आइडेंटिफाइंग मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समेराइजिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन और लास्ट में कम्युनिकेटिंग क्या कम्युनिकेट करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किसके साथ यूजर्स के साथ तो आज हम ये पढ़ भी लेंगे कि यूजर्स आखिर कहते किसको हैं? ओके okay? तो आइडेंटिफाइंग यानी कि ट्रांजेक्शन और इवेंट इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करते ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं मेजरिंग रिकॉर्ड uh, करना उनको क्लासिफाइंग करना ये चार चीज इसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन और लास्ट में कम्युनिकेटिंग तो ये जो चार चीजें है ना क्लास इनको कहते हैं बुक कीपिंग और पुराने जमाने से जो मुनीम जी होते हैं क्लास बही खाता रखते हैं रहे हो इसको इसके अंदर सारा हिसाब किताब लिखा रहता यही, यही बाद में अकाउंटिंग जाके बनता है तो देखो होता क्या है अभी हम क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं हम सबसे पहले बुक कीपिंग करते हैं एक कागज पे सब चीज लिखते चले जाते जा हैं इस डेट को इतना आया इतना गया इतना गया इतना आया सब कुछ नॉर्मल लिख लिया कागज पे कहो ये इस बही खाते में कह लो इस रेड कलर की जो डायरी है बुक है उसके अंदर हम सब चीज लिखते चले जाते हैं आइडेंटिफाई करते हैं मेजरिंग करते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं क्लासीफाइंग सबका अलग, अलग अलग पेज एक किराने की दुकान पे जाओ राशन की दुकान पे वो क्या करता है सबका अलग अलग, अलग पेज रखता है मोहन का इतना सोहन का इतना मोहन ने किस दिन क्या क्या राशन लिया सोहन ने किस दिन क्या क्या राशन लिया कब कितने पैसे लौटाए थोड़े पैसे दे दिए थोड़े पैसे और बचे हैं ये सारा हिसाब किताब लेखा जोखा कागज पे जब रखा जाता है पेपर पे रखा जाता है बुक्स में रखा जाता है दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग इसको बोलते हैं बुक कीपिंग और ये बुक कीपिंग क्लास कोई कम पढ़ा लिखा बंदा भी कर सकता है जैसे बहुत ज्यादा अकाउंटिंग की नॉलेज ना हो मतलब क्लास एट क्लास नाइन क्लास टेंथ का बंदा भी बुक कीपिंग कर सकता है दुकान पर बैठ के दुकान का हिसाब किताब देख सकता है कितने रुपए कमाला है कितना बिका लेकिन अगर ये बड़े स्केल पे है और उसे एक बटन दबा कर ये जानना हो कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ एक बटन दबा के ये जानना मुझे लॉस कितना हुआ मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है कितनी लाइबिलिटी है कोई छूटा तो नहीं हर चीज़ रिकॉर्ड करना तो भाई इससे बात नहीं बनेगी यहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं इसके बाद आता है समरी बनाना एनालिसिस करना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना बैलेंस शीट बनाना और फिर क्लास कम्युनिकेट करना ये सारी चीज़ें जब मिला देते हैं साथ के साथ आइटम तो ये बन जाता है अकाउंटिंग सो अकाउंटिंग बहुत बड़ा है उसका एक छोटा सा हिस्सा बुक कीपिंग है तो बुक कीपिंग इज़ कंसर्न विद बुक कीपिंग क्या आता है मतलब कि यहां पे करना, करना, करना और बुक कीपिंग क्या, क्या है क्लास इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा है, इसको हम कहते है, अब आते है किया किसी नॉर्मल आदमी ने उसने सारा हिसाब किताब के अकाउंटेंट साहब को दे दिया ये री क्लास बुक कीपिंग फाइल्स पड़ी हैं सारी इससे उठा उठा के कंप्यूटर में डाल के सारी चीजें बनाई जा रही है सॉफ्टवेयर होता है क्लास ठीक है एम आई एस ए बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर सारा डेटा डेड़, डेटा डाला जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट सब कुछ बन के तैयार हो जाता है दिस इज कॉल्ड इसको हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंटिंग कहते हैं क्या है अकाउंटिंग हमने पहले ही पढ़ रखा है सिस्टमेटिक प्रोसेस इसके अंदर सारी चीजें आएंगी उसमें चार चीज़ें थी बुक कीपिंग में चार आइटम होता है शुरू के इसमें सातों होंगे आइडेंटिफाइंग मेजरिंग रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इफॉर्मेशन टू इट्स यूजर तो इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग तो अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं तो पहले मैं बुक कीपिंग करूंगा फिर अकाउंटिंग करूंगा तो पहले बुक कीपिंग होगी फिर अकाउंटिंग होगी तरीके से तो अकाउंटिंग एक आ, मतलब कि एडवांस प्रोसेस है जहां पे हम लोग क्लास सारे इंफॉर्मेशन को एक एक जगह सिस्टम पे देख लेते हैं दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग तो बुक कीपिंग क्लियर हो गया अकाउंटिंग क्लियर हो गया बात करते हैं अकाउंटेंसी क्या है देखो ये रहा छोटा सा ये है क्लास बुक कीपिंग ओके ये क्या है यहां पे बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर समा गया बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के अंदर बुक कीपिंग भी समा गया और अकाउंटिंग भी समा गया यानी कि अकाउंटेंसी सबसे बड़ा है ये इनके बीच का एक आप रिलेशनशिप कह सकते हो सो so, अकाउंटेंसी क्या है ध्यान समझना अकाउंटेंसी क्या है इट इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटेंसी इज एक्शन अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग है ना क्लास उसकी प्रॉपर नॉलेज रखना ही अकाउंटेंसी है मुझे अकाउंटेंसी आती है यानी कि मुझे अकाउंटिंग करनी आती है बुक कीपिंग करनी आती है सबसे बड़ा क्या हो गया अकाउंटेंसी सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस अकाउंटिंग क्या है एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस की नॉलेज होना ही अकाउंटेंसी है राइट right? तुम सीधे सीधे कह दो सर अकाउंटिंग की नॉलेज होना अकाउंटेंसी है खत्म बात अकाउंटिंग की नॉलेज को रखना ही क्या कहलाता है अकाउंटेंसी कहलाता है इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बुक कीपिंग अकाउंटिंग दोनों आते हैं बहुत सिंपल सी बात है अकाउंटिंग की नॉलेज रखना अकाउंटेंसी है अकाउंटिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस है उस प्रोसेस की नॉलेज रखना अकाउंटेंसी है बुक कीपिंग के अंदर आइडेंटिफाइंग मेजरिंग रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग तक आता है समरी बना के हिसाब किताब करके टोटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना बैलेंस शीट बनाना ये सारा काम अकाउंटिंग के अंदर आता है लेकिन क्लासिफिकेशन <coughs> तक का सारा काम बुक कीपिंग के अंदर आता है तो आई मस्ट श्योर कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी अब एक छोटा सा यहाँ पे और है टॉपिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कि क्या है आर्ट या साइंस अकाउंटिंग है क्या अकाउंटिंग एक प्रोसेस है उसमें आर्ट है या साइंस है ये है क्या मेरी बात ध्यान समझना यार आर्ट तुम कहते किसको हो आर्ट का मतलब क्या है जहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी हो भाई मुझे किसी ने बोल दिया कि तुम्हें ये काम करना है अब मुझे ये काम कैसे करना है किस तरीके से करना है देखो यार हर टीचर पढ़ा रहा है हर टीचर आपको कोई ना कोई चीज़ पढ़ा रहा है बट सबका पढ़ाने का तरीका और हर टीचर सेम पढ़ा रहा है अकाउंटिंग की जो मैंने डेफिनेशन बताई है वो तुम्हें सौ टीचर वही डेफिनेशन समझाएंगे लेकिन हर किसी का समझाने का तरीका जो है वो अलग है वो उनका कला है कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को तुम्हें बेहतर बना के प्रेजेंट कर सकता हूँ ये मेरा आर्ट कहता है तो अकाउंटिंग आर्ट तो है ही है साथ में साइंस भी है सर अकाउंटिंग आर्ट है समझ आ गया कि भैया आपका अपना तरीका है चीजों को प्रेजेंट करने का लेकिन अकाउंटिंग साइंस कैसे है साइंस अकाउंटिंग इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत सारे प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है जो हम पढ़ेंगे अपने थर्ड चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है साइंस में भी ऐसा ही होता है कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल को साइंस में भी यूज़ किया जाता है सो so, यहाँ पे भी क्लास सेम टू सेम यूज़ किया जाता है तो अकाउंटिंग इज बोथ एज वेल एज आर्ट एट आर्ट एज वेल एज साइंस इट रिकॉर्ड क्लासीफाई एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेंशन विच इज़ एन आर्ट बिकॉज इन अकाउंटिंग यू यूज़ वेरियस प्रिंसिपल हैंस वी कैन कॉल इट एज अ साइंस ऑल्सो सो अगर आप सभी पूछता है अकाउंटिंग आर्ट है साइंस है या दोनों है तो सिंपल से कहते हैं ना अकाउंटिंग आर्ट साइंस दोनों है बस इतना पता होना चाहिए और कुछ नहीं अकाउंटिंग आर्ट्स और आर्ट और साइंस दोनों है डन चलो अब फाइनली हम आते हैं क्लास मैंने आपसे शुरू में कहा था हम अकाउंटिंग करते हैं ताकि हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सके किसके साथ यूजर के साथ अब बात ये आई कि यूज़र कौन है हम लोगों ने अकाउंटिंग करी हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया सब कुछ हमने बना दिया भाई इसको उठा के हम किसको देंगे यूज़र को और वो यूज़र कौन है कुछ लोग कंपनी के अंदर के होते हैं जिसको बोलते हैं इंटरनल यूज़र्स कंपनी के अंदर के लोग कुछ लोग बाहर के लोग होते हैं जिनको बोलते हैं एक्सटर्नल यूज़र इंटरनल यूजर कौन कौन होते हैं जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं और एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर के लोग होते हैं अब कंपनी के अंदर के कौन कौन लोग होते हैं इंटरनल दो होते हैं पहला ओनर दूसरा मैनेजमेंट देखो भाई अब सवाल यह है कि ओनर क्यों जानना चाहता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्यों जानना चाहता है ओनर भाई सीधी सी बात है ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है क्या ओनर ये नहीं जाने जानना चाहेगा उसका रिस्क है पूरे बिजनेस में करोड़ों रुपए लगाए हैं ओनर ने अभी एम्प्लॉय का क्या है आज वो काम कर रहा है कल को छोड़ के कहीं और चला जाएगा कंपनी घाटे में जाएगी तो क्या मालिक कहीं और चला जाएगा बेचारा मालिक तो एंड तक कंपनी के साथ टिकता टिका रहेगा तो भाई मालिक ने पैसा लगाया है क्या जो मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल ये राजधानी नहीं है कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है राइट ये राजधानी नहीं है ये क्या है क्लास ये है आपने पैसा कितना लगाया है पैसा कितना लगाया बिजनेस को शुरू करने में दैट इज कॉल्ड कैपिटल मैं बोलूंगा यार मुझे एक बिजनेस चालू करना है कितना पैसा लगेगा हमें पचास लाख रुपए कैपिटल लगेगी तो ये कैपिटल है राइट इनिशियल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है ठीक है उसको क्या बोलते हैं कैपिटल ओनर so, ने कैपिटल लगाया तो वो जानना चाहता है कंपनी कितना प्रॉफिट इनकी इनकी कमाया कितना नुकसान हुआ ये सब जानना चाहता है ना वो कितनी कितनी प्रॉपर्टी इनके पास है तो इसीलिए ओनर जानना चाहता है मैनेजमेंट भाई मैनेजर्स को ही तो सारे डिसीजन लेने जितने भी डिसीजन बिजनेस के अंदर लेने होते हैं वो किसको लेने होते हैं मैनेजमेंट को तो मैनेजमेंट को जब डिसीजन लेने हैं तो क्या मैनेजर नहीं जानना चाहेगा बिजनेस ने कितना कमाना है कितना घाटा हुआ बिजनेस बिजनेस को बिजनस का कौन सा प्रोडक्ट का सेल अच्छा चल रहा है किसका नहीं चल रहा कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है कहां खर्चे ज्यादा कम जितने डिसीजन लेने सब मैनेजमेंट को लेने तो मैनेजमेंट भी कंपनी के बारे में जानना चाहता है मैनेजमेंट भी इंटरेस्टेड रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनको बोलते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्म के कंपनी के बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये क्यों इंटरेस्टेड है तो इसीलिए अकाउंटिंग की जाए ताकि ये लोग उसको देख सके और अपने अपने डिसीजन को ले सके इंटरनल कंपनी के अंदर है इसलिए हम क्या बोलते हैं इंटरनल यूजर अगला है एक्सटर्नल यूजर जो कंपनी के बाहर के लोग होते हैं ये कंपनी के अंदर तो नहीं होते कंपनी के बाहर के लोग होते हैं बट ये कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं सवाल है कि ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों इतना इंटरेस्टेड है कंपनी की बैलेंस शीट पे कंपनी के पास कितनी asset, कितनी लाइबिलिटी है कंपनी कितना कितना है है, तो bank भाई बैंक हमें लोन देता है बैंक बिना हमारे बारे में जाने हमें लोन दे देगा और हमारे बारे में जाने किससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो जो बैंक है वो इंटरेस्टेड पार्टी है वो यूजर है और लेकिन बैंक कंपनी के बाहर के लोग हैं तो इसलिए क्या बोलते हैं क्लास एक्सटर्नल यूजर जिन्हें क्लास एक्सटर्नल यूजर बाहर के लोग कहा जाता है तो वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं एक्सटर्नल यूजर होते हैं ये कंपनी के बाहर के लोग होते हैं ये कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं क्यों क्योंकि क्लास कंपनी की पेइंग कैपेसिटी को देखना चाहते हैं कि कंपनी में इतना दमखम है कि नहीं कि हमारे लोन्स इनको लोन देंगे तो ये पे भी कर सकते हैं कि नहीं तो इसलिए वो हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो जो हमें लोन देगा वो हमारे बारे में बिना जाने हमें लोन कैसे दे सकता है और हमारे बारे में जाना है किससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे अकाउंटिंग से अगला है एम्प्लॉइज एंड वर्क देखो यार जो मैनेजमेंट होता है ना मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है एम्प्लॉय कोई डिसीजन नहीं लेना तो एम्प्लॉय जो है वो क्लास कंपनी के एक तरीके से आउटसाइडर हो गए एक्सटर्नल में जो मैनेजमेंट है स्पेशली मैनेजमेंट वो हो गए इंटरनल उनको डिसीजन लेने कंपनी के बिहार में ये तो अपने बारे में जानना चाहते हैं कि कंपनी हमें सैलरी देगी कि नहीं देगी कंपनी प्रॉपर बोनस देती है कि नहीं देती तो ये ये जानना चाहते हैं तो इसीलिए क्लास ये भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड रहते हैं लेकिन ये वर्कर बहुत अपर लेवल के लोग होंगे जनरली क्योंकि यार अगर कोई नॉर्मल आदमी है तो कंपनी की बैलेंस शीट क्यों से क्या मतलब उसको सैलरी से मतलब है बस लेकिन फिर भी एम्प्लॉय वर्कर को हम कंसिडर करेंगे एक्सटर्नल यूजेस में इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स देखो यार इन्वेस्टर कौन है जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है जिन्होंने कंपनी में किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो लोग क्लास इन्वेस्टर्स हैं तो ये भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया नहीं है जिन्होंने कंपनी को उधार अभी दिया नहीं है मान लो मैंने कंपनी को उधार दिया है तो मैं कंपनी के बारे में जानना चाहूंगा तभी तो मुझे ब्याज मिलेगा टाइम टू टाइम कंपनी क्या अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है खराब चलेगा तो मैं निकाल लूंगा पैसे अपने और जो उधार देना चाहते हैं कंपनी में जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो होते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स तो जो बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है वो स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहता है जो अभी टेंथ में सोच रहा है इलेवंथ में कॉमर्स लेकर सर से पढ़ूंगा तो वो क्लास पोटेंशियल हो गया तो इन्वेस्टर्स जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्लास जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया बट वो करने की सोच रहे हैं तो क्योंकि ये करने की सोच रहे हैं तो ये भी कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे किससे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और जिन्होंने कर रखा है देखो जिन्होंने कर रखा है वो क्या सोचेंगे कि मुझे आगे करना है कंटिन्यू या निकल के बाहर आ जाना है और जिन्होंने नहीं किया वो क्या सोचेंगे मुझे करना है या नहीं करना ठीक है क्रेडिटर्स भैया सीधी सी बात है जो हमें उधार देगा हमारे बारे में जानना चाहेगा अगर मैं बोलता हूं ठीक है हमें तीन तीन महीने के लिए माल उधार बेचो हम आगे बेच के आपको पैसे देंगे तो वो हमें हमारे कहने पे नहीं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा पहले कि कंपनी की क्या लेवल है कंपनी का लेवल है कि नहीं उधर देने लाइक कंपनी लौटा भी सकती है कि नहीं उनके अपने स्टडी होती अब वो स्टडी आप थोड़ी आप इलेवंथ क्लास के पहले चैप्टर में सीख जाओगे सर कैसे पता करते हैं वो तो यार उसमें टाइम लगेगा वो तीन चार पाँच साल लगाओगे तब तक चलेगा तो बस आपको पता है उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के सब कुछ होता है इसी में केस चलते हैं इसी में मुकदमा चलता है इसी से कंपनी बंद हो जाती है इसी से कंपनी बेची जाती है इसी को एविडेंस की तरह दिखाते हैं इससे लोन मिलता है इससे पब्लिक से पैसा उठाया जाता है हर चीज़ इससे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सीखेंगे इलेवंथ के एंड तक वो भी फर्म का फिर ट्वेल्थ में पढ़ेंगे कंपनी का फिर ग्रेजुएशन में भी उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे और अच्छे अच्छे एडवांस लेवल पर देखेंगे उसको यही है अकाउंट्स में ठीक है तो क्रेडिटर्स जो हमें उधार बेचते हैं कस्टमर कई बार ना कस्टमर भी हमारे बारे में जानना चाहता है अब मैं पांच रुपये का मैगी खरीदूंगा तो मैं कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देखूंगा नहीं कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टी है मुझे बताओ पहले कंपनी पास कितना प्रॉफिट लॉस है मुझे बताओ मुझे पांच की मैगी चाहिए नहीं पहले मुझे अगर मैं कोई बड़ा बड़ा क्लास बड़ी मशीन खरीद रहा हूँ बड़ा प्लांट खरीद रहा हूँ सौ करोड़ का प्लांट लग रहा है मेरे यहाँ तो भैया या या कोई प्लेइंग मशीन आ रही है कोई एयर फ्लाइट हेलीकॉप्टर आ रहा है या कोई एयरबस आ रहा है तो भैया उस टाइम पे अगर मैं कस्टमर हूँ इतनी बड़ी चीज़ें खरीद रहा हूँ क्लास तब जाके मैं कंपनी के बारे में स्टडी करूँगा कंपनी की क्या रेपुटेशन है कंपनी की हम पैसा लगाएंगे कंपनी पैसा पैसे के हिसाब से सर्विस देगी या नहीं देगी तो कस्टमर क्रेडिटर्स भी हमारे बारे में जानना चाहते हैं सरकार क्यों जानना चाहती है काम लीगली कर रहे है या नहीं कर रहे है ना अगर सरकार भी जानती है कंपनी क्या कर रही है लीगल तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही टैक्स अथॉरिटी टैक्स दे रहे हो नहीं दे रहे टाइम पे वो जानना चाहेगा ना तो कैसे जानेगा टैक्स अथॉरिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अगला है रिसर्चर और एनासिस्ट देखो रिसर्चर कौन होते हैं जो रिसर्च करते हैं ऐं वही किसी भी कंपनी के ऊपर उठाकर रिसर्च करने लगे अच्छी है कंपनी का आप भी तो रिसर्च करते हो ना किसी के बारे में कि भाई ये इंसान इतना सक्सेसफुल कैसे है इसके बारे में रिसर्च करो क्या करता है क्या नहीं करता क्या खाता है इसकी हैबिट क्या है चार आदतें यूट्यूब पर कितनी वीडियो पड़ी हुई हैं जो इलोन मस्क साहब अपनाते हैं ये करोगे तो ये कर। तो यार ये सब चीज़ होता है क्लास से रिसर्चर काम तो कभी कभार क्या होता है रिसर्चर किसी कंपनी के ऊपर ना रिसर्च कर रहे होते हैं कि वो कंपनी किस पॉलिसी से काम कर रही है अच्छा कर रही है नहीं कर रही बहुत सारे चीज़ें सीखने के लिए कभी गलती पकड़ने के लिए रिसर्च रिसर्चर रिसर्च करते रहते हैं अगला है क्लास एनालिसिस, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। होता क्या है आपने कभी जी बिज़नेस चैनल देखा होगा सी एन बी सी चैनल देखा होगा कोई भी बिजनेस चैनल जहाँ पे uh, किसी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे या ना खरीदें इसके बारे में बताते हैं तो तो वो कैसे कह सकते हैं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो इस कंपनी का अच्छा है इस कंपनी में इन्वेस्ट मत करो इस कंपनी का अच्छा नहीं है तो उन्होंने कुछ तो एनालिसिस किया होगा कुछ तो स्टडी किया होगा कैसे किया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो इसीलिए क्लास ये सब कंपनी के बाहर के लोग हैं तो इसीलिए क्लास जो रिसर्चर्स हैं एनालिसिस्ट हैं ये क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं स्टडी करते हैं फिर आम जनता को बताते हैं एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो मैंने वो पढ़ा होगा ना तभी तो आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसी तरीके से वो टी वी खड़े होकर बोलते हैं कि इस कंपनी में आप या यूट्यूब पर खड़े होकर बोलते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स आप मत खरीदो इस कंपनी के पैसे बढ़ सकते हैं इसमें पैसा लगा दो हो सकता है तो वो इतनी बातें कैसे कह रहे हैं उन्होंने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा होगा एनालाइज़ किया होगा स्टडी किया होगा तभी वो कह पा रहे हैं और इसी चीज़ के लिए क्लास कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो इसीलिए उंटिंग किया जाता है ताकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन लोगों के साथ चाहे वो एक्सटर्नल बाहर के लोग हों चाहे वो इंटरनल हो इनके साथ हम कम्युनिकेट कर सकें इसीलिए अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जो अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाता है अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि यूजर्स कहते किसको है क्लियर है क्लास सारी की सारी चीजें कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ देखो अगर अगर तुमको ये सारी चीजें बहुत अच्छी समझ आ गई सारी चीजें एकदम डन हो गई है तो आप चाहो तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप सेवन एट डबल जीरो थ्री सिक्स फाइव सिक्स टू फाइव ये जुड़ सकते हो इसके अलावा आप एस पी सी सी मोबाइल एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हो वहाँ पे क्लास ठीक है या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल भी है सुनील पांडा के नाम से वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे क्लास ये जितना भी मैंने पढ़ाया है इसका जो पी पी टी है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा ताकि क्लास अगर आप इनसे नोट बनाना चाहो पी डी एफ फॉर्मेट में दे दूँगा आपको तो अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो इनसे आप नोट्स भी बना सकते हो राइट तो यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो कि हम क्लास एलेवन के स्टूडेंट्स हैं अपना नाम लिख के हमें ज्वाइन कर लो तो ये व्हाट्स ये कॉल है इस पर आपको कॉल व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो आप ज्वाइन हो जाओगे ये हमारी टीम का नंबर है ओके चलो अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है हम खत्म करेंगे चैप्टर को बहुत है इतने इस चैप्टर के अंदर अब वो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस तो मैंने आपसे कहा

देयर स्पेस लेगा यहाँ पे देयर ऑफ कम्युनिकेट करना ओके स्टेज अकाउंटिंग प्राइमरी स्टेज है ये सेकेंडरी स्टेज है भाई पहले तो आप सॉरी सॉरी क्या बोल दिया मैंने बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है भाई पहले तो आप बुक कीपिंग करोगे ना भैया रिकॉर्ड करोगे क्लासीफाई करोगे तभी तो समरी बनाओगे ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट तभी बनाओगे ना जब आप यहाँ तक करके आओगे ऑब्जेक्टिव अगला है ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ को रिकॉर्ड करना <coughs> पहले क्या होता हर चीज लिखा हो भैया बुक कीपिंग का मेन क्या है हर चीज़ बस लिखा हो हर चीज लिखा हुआ होना चाहिए इनका मेन मोटो क्या है कि आप नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकल देखो नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशन का मतलब चीरफाड़ करना नहीं है जो डॉक्टर करते हैं कैची पकड़ के ऑपरेशन <coughs> का मतलब जो तुम काम कर रहे हो लाइक like, आपका काम क्या है उसी को बोलते हैं ऑपरेशन जो आप डे टू डे में करते हो राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर द नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन नेट रिजल्ट क्या है काम करने का जो नेट रिजल्ट है प्रॉफिट लॉस वो क्या है फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना उसे कम्युनिकेट करना तो यहाँ प्रॉफिट लॉस का पता लगाना कम्युनिकेट करना एनालाइज करना इंटरप्रिटेशन करना ये सब अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे बस मेन चीज़ों को रिकॉर्ड करना ही ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी वो सेकेंडरी पहला है स्कोप ठीक है अगला क्या है ये डे टू डे एक्टिविटी अकाउंटिंग जो है रोज नहीं होती अकाउंटिंग साल के एंड में होती है ठीक है लेकिन जो बुक कीपिंग है भाई साल भर हम चीज़ों को लिखते हैं रफ पे फिर उसको टोटलिंग करके जो है वो प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर पर डालते हैं तो ये साल में लास्ट में किया जाता है एनालिटिकल होता है डायनामिक होता होता है है साल के एंड में होता है। लेकिन ये जो है 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 क्लास रूटीन जॉब होता ठीक कई कंपनी साल में चार बार भी अकाउंटिंग करती हैं तो ये क्लास आप चार बार अकाउंटिंग करते हैं चार बार करोगे लेकिन ये रूटीन जॉब है ये तो डेली का है कितना सेल कितना परचेस कितना खरीदा कितना बेचा रोज की चीजें यहाँ रिकॉर्ड होती हैं बुक कीपिंग डेली नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ये रूटीन वर्क है तो इसे जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है मतलब जो जूनियर स्टाफ है जिसको बहुत ज्यादा अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है सिर्फ रिकॉर्ड करना है चीज़ों को तो ये होता है लेकिन ये जो है स्पेशलाइज फंक्शन है तो इसे कौन परफॉर्म करता है सीनियर स्टाफ अकाउंटिंग कौन करता है सीनियर स्टाफ बुक कीपिंग कौन करता है जूनियर स्टाफ देखो बुक कीपिंग करने के लिए तुम्हें कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है तुम्हें थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है तुम बुक कीपिंग कर सकते हो लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए तुम्हें स्पेशल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी तो तुम इलेवेंथ पूरा पढ़ोगे ट्वेल्थ पूरा पढ़ोगे कॉमर्स लेके तब जाके तुम अकाउंटिंग कर सकते हो बुक की तो मैनेज करते होंगे होंगे तो नहीं बनाते थे ना आप लोग यही काम करते थे तो क्लास ये आपकी इसमें आपको कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है डिस नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स और अकाउंटिंग रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट तो क्लास एनालिसिस के लिए इंटरब्रिटेशन के लिए भैया आपको स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी कंपनी की इस कंपनी में की बैलेंस शीट देख कर ये पता करना कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए ये कंपनी कल को डूब जाएगी या कंपनी कल को उभर जाएगी उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के इस बात का पता लगाना भैया ये इसके लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ती है और इसके साथ क्लास ये चैप्टर हो गया हमारा दी एंड उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी पसंद आया होगा ये पहला चैप्टर है ऐसी क्लास में आपको पूरा का पूरा सिलेबस एंड तक कराते चला जाऊंगा बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए दो तरीके से आप सपोर्ट करो पहला कि आप पढ़ाई करो दूसरा वीडियो पर लाइक कर दो क्लास कॉमेंट कर दो इतना ही गुरुदक्षिणा है बस आपसे कि लाइक और नीचे कॉमेंट करके बताओ समझ आ रहा है कि नहीं बस इतना बता दो और वीडियो को अपने सारे क्लासमेट दोस्तों को शेयर कर दो आपके शेयर से मुझे कितना मोटिवेशन मिलेगा और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन नहीं लगा सकते स्कूल के टीचर उनको फोर्स करते हैं हमसे पढ़ो वो नहीं लगवा सकते उनको नंबर काटते हैं उनको फेल करते हैं प्रैक्टिकल की धमकी देते हैं वो अगर पढ़ के अच्छे समझ के जाए तो स्कूल वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका अगर उनको नॉलेज है उनको पक्का पता है इसका आंसर ये होगा ये सही है तो क्लास कोई कुछ नहीं कर सकता तो वही नॉलेज देने आपका क्लास आपको ये शेयर करने की आप जब ट्वेल्थ में जाओ हमसे पढ़ो तो आपको पूरा अच्छे समझ आए इसके लिए मैंने प्रॉपर टाइम निकाला है आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहा हूं सपोर्ट दिखाओ वीडियो को शेयर करो सारे दोस्तों में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय गॉड ब्लेस यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में